अबे तुझे सारी पता होता है इसका मतलब तू पूरी तरीके से देखता है मेरी वीडियो, हाँ बहुत ध्यान से देखता है। हाँ मैं आज केदारनाथ जाऊंगा, रात को निकलूँगा। हाँ आज रात को निकलूँगा। 12:35 हो चुके हैं, रात के 12:35 हो चुके हैं और मेरी तैयारी अभी तक चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैग पूरा तैयार हो गया, जैकेट्स वगैरह आ चुकी हैं, कैप आ चुकी है, हेलमेट पूरा रेडी है, दस्ताने वगैरह सब कुछ रेडी है, बैग एक एक्स्ट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर हाथी की मैंने ये मिरर जो टूट गया था मिरर भी बदलवा दिया आज, और लगे हाथों वायरिंग भी, क्लच वायर बदलवा दी, जबकि अभी मैंने 2 महीने पहले क्लच वायर बदलवाई थी। लेकिन क्या है कि जाना केदारनाथ है तो इस चक्कर में, लेकिन है क्या कि जाना केदारनाथ है तो इस चक्कर में वो रिस्क में लेना चाहते तो इसलिए ये पूरी क्लच वायर भी हम लोगों ने यहाँ पर बदलवा दी। और बाइक बदलता हुआ और दोस्तों यहाँ पर जैसे जब एक्सीडेंट हुआ था तो इसका ये चार्जिंग पॉइंट भी टूट गया था, ये वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये भी टूट गया था, तो आज इसको भी बदलवा देते हैं और नया लगवा देते हैं। दिखाना उस्ताद इसको नया लगवा देते हैं और काम हो जाएगा, पूरी एक तरह से रेडी हो जाएगी, बस अभी एक फ्लैग और लगना बाकी है, उसके बाद काम इसका पूरा हो जाएगा। और ये भाई यहाँ लगाता हूँ, पहले वाला भी यहीं से लगवाया था मैंने। और ये है सोतीगंज अपना, पत्ती भी लगाओगे? हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिवाली की सजावट के लिए सारा आइटम है और हम हैं इस टाइम लाला के बाजार में, मेरठ का मशहूर लाला का बाजार है। और यहाँ पर आपको हर आइटम, हर फेस्टिवल पे, चाहे आपका 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी हो, आपको हर आइटम इस लाला के बाजार में मिल जाती है। और ख़ास तौर से अगर यहाँ की बात करें तो ये हमारे पुराने दुकानदार हैं, बचपन से यहीं आ रहे हैं सब। तो ये है, और मैं खुद ही चाहूँगा कि भैया खुद ही बता दे अपनी शॉप का नाम। ज्योति प्रसाद मदन गोपाल, लाला का बाजार मेरठ। लाला का बाजार मेरठ। तो जैसे मैंने बताया बचपन से यहीं आते आते खरीदारी करते हुए, घर के लिए हो चाहे शॉप के लिए हो, सब आइटम आपको यहाँ पर मिल जाती है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता ही रहा था शॉप के बारे में, तो भैया यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हैंड टू हैंड देख सकते हैं आप एकदम से हमारा चैनल खोल लिया और सब्सक्राइब भी कर लिया है यहीं पर। मिलते हैं फिर दिन में, दिखाएंगे किस दिन आगे पूरी की पूरी शॉप दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा जल्दी में तो इतना ही दिखाया, लेकिन बाद में आपको पूरा मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर हाथी की मैंने ये मिरर जो टूट गया था मिरर भी बदलवा दिया आज, और लगे हाथों वायरिंग भी, क्लच वायर बदलवा दी, जबकि अभी मैंने 2 महीने पहले क्लच वायर बदलवाई थी। लेकिन क्या है कि जाना केदारनाथ है तो इस चक्कर में, लेकिन है क्या कि जाना केदारनाथ है तो इस चक्कर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसलिए ये पूरी क्लच वायर भी हम लोगों ने यहाँ पर बदलवा, यहाँ पर जैसे जब एक्सीडेंट हुआ था तो इसका ये चार्जिंग पॉइंट भी टूट गया था, ये वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये भी टूट गया था, तो आज इसको भी बदलवा देते हैं और नया लगवा देते हैं। दिखाना उस्ताद इसको नया लगवा देते हैं और काम हो जाएगा, पूरी एक तरह से रेडी हो जाएगी, बस अभी एक फ्लैग और लगने बाकी है, उसके बाद काम पूरा हो जाएगा। बाहर खड़ा हाथी आप देख सकते हैं, और इसका जो कवर ख़राब हो गया था लास्ट टाइम, तो भैया से मैंने पहली बार भी लिया था और आज भी इसका दूसरा कवर लिया। और इधर एक आपका पिट्ठू बैग आ चुका है, क्योंकि हमारा पहले वाला ट्रैवलिंग वाला वो ख़राब हो गया था, तो इसको भी अभी परचेज़ किया है। तो एट प्रेजेंट आप देखें तो ये बैग लिया है और आपका कवर हो चुका है। और भैया के पास हम हमेशा आते हैं, हमेशा अच्छा सेटिस्फाई करके भेजते हैं भाई यहाँ पर। तो तैयारी हो चुकी है, अगर आप लोगों में कोई चलना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, कैसे आप सब लोग, एकदम मस्त ना? और उम्मीद करता हूं त्यौहार बहुत अच्छे से मनेगा। दोस्तों मैं अभी अभी शॉप पर बैठा हूं, तो देखिए कौन आया, ये छुटके छुटके से आया और आते ही मुझको बोलता है, क्या बोलता भाई ये बोलता आते ही एकदम से आया भगा भगा दुकान में और बोलता राकेश भाई हैप्पी दिवाली। तो मैं एकदम दंग रह गया कि चुटंकी कैसे बोल रहा हैप्पी दिवाली राकेश भाई, गौर करें आप इसकी बात पे, बोल रहा है राकेश भाई। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे कहाँ से आया? ढोल के मोहल्ले से आए हो, और मेरी याद आ गई उठते ही सुबह सुबह कि विश करके आना राकेश भैया को। हाँ भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बता कुछ। हाँ भाई बता। अबे तुझे सारी पता होता है इसका मतलब तू पूरी तरीके से देखता है मेरी वीडियो, हाँ बहुत ध्यान से देखता है। हाँ मैं आज केदारनाथ जाऊंगा, रात को निकलूँगा। हाँ आज रात को निकलूँगा। हाँ हाँ भाई तू तो बड़ा फैन है भाई यार मेरा, तेरे बारे में तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आ जाऊँ केदारनाथ से, तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगा मैं एक, ठीक है? तुझे एक गिफ्ट जरूर दूंगा मैं, दिल खुश कर दिया लूंडे ने भाई, बड़े उससे
बड़े प्यार से देखता है, इसका मतलब मेरी वीडियो सारी की सारी वीडियो देखता है। बंदे ने एकदम से बोला आप केदारनाथ जाओगे। वीडियो से पता लगा या किसने बताया था? वीडियो से पता लगा था। अरे मेरा लाल नाम और बता दे अपना क्या नाम है। कार्तिक। पूरा नाम? पूरा नाम कार्तिक वर्मा। कार्तिक वर्मा है। अच्छा, और सदा ढोल के मोहल्ले में रहता है? ठीक ठीक, आज तू भी आएगा वीडियो में, देखियो जरा वीडियो में आएगा। ठीक है, दोनों आएंगे, बिल्कुल आओगे दोनों। रुक जा, मैं तेरी फोटो ले लूँ एक। दोस्तों सबकी मूर्तियां चमकाते हैं हम, सबकी मूर्तियां, बर्तन, छत्र, ज्वेलरी सब चमकाते हैं, और अपनी मूर्ति सबसे आखिरी में चमकाने को मिलती है, सबसे लास्ट में अपनी मूर्ति चमकाने को मिलती है। तो ये हैं अपने लक्ष्मी गणेश, भोलेनाथ। तो हमने इनको बिल्कुल पॉलिश कर दिया है, दोबारा से न्यू ब्रांड बना दिया है, क्योंकि पूजा करते हैं तो धुआं लगता तो बंदे हो जाते हैं। और अगर इनके वेट की बात करूं तो ये वेट है लक्ष्मी गणेश जी 665 ग्राम के, तो ये 665 ग्राम के हैं। और अगर मैं भोलेनाथ जी की बात करूं तो भोलेनाथ जी एट प्रेजेंट हैं 376 ग्राम के, तो करीब 1 किलो के ये बैठ जाते हैं। 1 किलो 41 ग्राम के लक्ष्मी गणेश जी और भोलेनाथ जी हैं। तो ये अपने मंदिर के हैं, और इनको विराजमान कर देते हैं मंदिर में। यहाँ पर इधर अपना मंदिर है शॉप का, तो यहाँ पर और दीपक भी चमक गया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी इनको अंदर से थोड़ी फिनिशिंग करके तो यहाँ पर मंदिर में लगा देंगे। और बाहर की अगर मैं बात करूँ तो बाहर ऋतिक के फ्रेंड आए हुए हैं, उसके फ्रेंड आए हुए हैं, ये सारे लोग बाहर खड़े हैं, और अपना हाथी कवड़ खड़ा था। और आपको पता कि अभी ये कवड़ गाड़ी का परचेज किया न्यू कलर, तो तैयारी बिल्कुल तैयारी है केदारनाथ बाबा की। और दोस्तों थोड़ी सी इस बार ना थोड़ी सी हल्की सा डर जिसको कह सकते हैं वो लग रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर जबरदस्त बर्फ आई हुई है, जबरदस्त। तो एडवेंचर आने वाला, बाबा के आशीर्वाद से चलेंगे दोस्तों, बने रहना साथ में, पूरी यात्रा दिखाऊंगा, पूरी जबरदस्त यात्रा दिखाऊंगा, थ्रिल भी रहेगा, रोमांच भी रहेगा, और बाबा का आशीर्वाद बना रहे बस। आई थिंक दिवाली का काम खत्म हो चुका है, मैं समझता हूँ कि फाइनल दिवाली का काम खत्म हो चुका है, और जो ये लोट है मेरा ये आखिरी है, ये आखिरी लोट है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो शायद हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत। और कैसा है? बढ़िया, बताओ। मैं बढ़िया एकदम। कैसी मना रहा दिवाली? बढ़िया मना रहा हूँ। दिवाली मना रहा, ले मेरी तरफ से, चल तू आया तो ये ले जा तू भी। ठीक है? हाँ, ठीक या और भी कुछ लेगा? ये बड़े वाला लेगा, गन लेगा, गन लेगा, गन ले जा चल। तो मैंने रखे थे कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे थे बच्चों के लिए, अगर कोई छोटा मोटा बच्चा आता, क्योंकि उस सुबह टाइम एक बच्चा आया था और उसने दिल इतना खुश कर दिया था, तो मैंने कुछ पैकेट्स मंगा करके रख लिए थे, तो इसलिए मैंने ये बच्चा आया इसको दे दिया। और अगर मैं अपनी इस टाइम की बात करूं, वो जा रहा लेके भग्या। तो दोस्त मैं ये कह रहा था कि ये मेरे जो काम है एट प्रेजेंट, ये आखिरी लोट हो सकता है मेरे काम का, दिवाली सीजन खत्म बस। और अब चलने की तैयारी है, जैसे आपको पता है कि केदारनाथ जाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ केदारनाथ जाना, और दिल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, और अब चलने की तैयारी है। बाकी सारी प्रिपेयरिंग हो गई है, बैग लगाना बाकी है बस रात को, कि बैग लगाना रात को बाकी है। घर जाएंगे, पूजा करेंगे, पहले फैमिली पूरी की पूरी आएगी, बेटा आएंगे, वाइफ आएगी, दुकान की पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, फिर घर की पूजा करेंगे, फिर रात को थोड़ा सा आतिशबाजी भी हो सकती है, और पूजा वगैरह करके फिर वो कहते हैं ना मोहल्ले में डब्बे वगैरह भी देने जाएंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, और उसके बाद फिर मेरा टर्न चलने का हो जाएगा बाबा केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों दुआ करना कि मेरा सफर अच्छे से कटे, हमेशा अच्छा कटा, मेरा विश्वास है बाबा पर, बहुत ज्यादा विश्वास है, अच्छे से मेरा सफर हमेशा कटा, हमेशा पिछले 25 साल से हमेशा कटा, तो इस बार भी बाबा आशीर्वाद बना के रखेंगे, और आपको पूरी यात्रा दिखाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पूरी यात्रा दिखाऊंगा, तो आप बने रहना मेरी वीडियो पर कल सुबह से लेकर के टनक टक। तो ठीक है, हैप्पी दिवाली, बस 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 बस, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, चलो बाबा केदारनाथ पे आशीर्वाद मिलेगा पूरा पूरा। सुबह बिल्कुल बर्फ पड़ रही है भाई साहब, गजब वाली। मैं सुबह ठीक दिख रहा था, मेरी तो वही कुल्फी जम गई। वहाँ क्या होगा फिर सर केदारनाथ में? केदारनाथ में याद, मैं तो याद लग नहीं जा सकता, दीदी के भैया नमूनी हो जाएगा। लो, और वैसे भी मैं इसको लेके भी नहीं जाऊंगा, बंदे की ना 8 तारीख की शादी है 8 दिसंबर की, दोस्तों आना सब लोग, इनवाइट है, बुलाएगा मेरे सब्सक्राइबर को, सब आ जाओ साहब, सब आ जाओ, तो 8 दिसंबर की इसकी शादी है,
हाँ, तो इसको लेके भी नहीं जाऊंगा, अभी से बहुत सारी तैयारी करनी है। लगा रहा है तो अपनी शादी की तैयारी में। ठीक है, ठीक। तो ये अपना एक भतीजा है, हाँ, और 8 तारीख की इसकी शादी है। तो ठीक है ना दोस्तों, मैं जैसे मैं कह रहा था कि कमेंट करते ना, जय बाबा की, जय बाबा की पूरी यात्रा दिखाऊंगा। मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों चारों तरफ को, हाँ, फेस्टिवल ऑफ लाइट। सामने उधर अनार जलता हुआ, उधर दूर हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों रात हो चुकी है और मेरे साथ मेरा बग्गी है, ये रहा, ये घूम रहा है यहीं पर छत पे। हाँ भाई, ओए कहाँ घूम रहा तू? और मैं बात करूँ तो अब मैं नीचे चलूँगा और नीचे चल के पैकिंग करनी है, बस बैग लगाना बाकी है और हुर हुर हाथी को लेना और फिर चलना। और लाइट लग जाएगी, बावले पूछ, लाइट लग जाएगी, उधर मचा करंट आ जाएगा। नो, तो बस मिलते हैं केदारनाथ बाबा के सफर पर सुबह। और दोस्तों फाइनल तैयारी हो चुकी है, फाइनल तैयारी हो चुकी है, बच चुके हैं। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 12:35 हो चुके हैं, रात के 12:35 हो चुके हैं और मेरी तैयारी अभी तक चल रही है। और यहां पर देख सकते हैं बैग पूरा तैयार हो गया, जैकेट्स वगैरह आ चुकी हैं, कैप आ चुकी है, हेलमेट पूरा रेडी है, दस्ताने वगैरह सब कुछ रेडी है, बैग एक एक्स्ट्रा और भी रेडी है जिसको मैं लेकर के ऊपर जाऊंगा। ये वाला बैग मेरा सोनप्रयाग रह जाएगा और वहां से उसमें एक जोड़ी कपड़े डाल करके और रेनकोट वगैरह डाल करके ये जाएगा ऊपर आपका भवन पे, केदारनाथ पे। तो देख रहे हैं पूरी तैयारी हो चुकी, मैंने शूज भी डाल लिए हैं, 2 जोड़ी शूज मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, यानी कि पूरी की पूरी पैकिंग मेरी हो चुकी है और बस अब चलने की देर बाकी है। मैं जैसे बता रहा हूँ 12:30 बज चुके हैं और मैं 4 बजे मेरठ छोड़ दूंगा। कुल मेरे पास 3.5 घंटे हैं सोने के लिए, जिसमें अभी सोने में भी टाइम लगेगा, तो मैं 2-2.5 घंटे सो पाऊंगा और उसके बाद नीचे हाथी बिल्कुल रेडी है, सर्विस करा करके पूरा रेडी है। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह केदारनाथ जाते हुए। दोस्तों लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, स्नोफॉल हो रही है वहाँ पर। बस आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना और बाबा का आशीर्वाद के लिए दुआ करना कि मेरा सफ़र अच्छे से कट जाए। तो मिलेंगे दोस्तों रास्ते में, बात करते हुए आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।